कि आज जितने भी पूज्य संत हमारे साथ आए हैं उन सबको वर्मा के उस प्रातो संत की एक भूमिका में अदा करनी पड़ेगी और जन जागरण करना पड़ेगा और सरकार को बाध्य करना पड़ेगा कि यहाँ से इनको कौन से खजा का बाहर किया जाए। प्रधानमंत्री से राष्ट्रपति से और गृह मंत्री से तीन जो है रोहिंग्या मुसलमानों को तुरंत जो है देश से बाहर निकाला जाए वरना देश के लिए आत्मघाती कदम होगा और हमारे लिए बहुत सी खतरा बढ़ जाएगा। इसी बात को लेकर आज हम सब लोग एकत्रित हुए हैं और आज आप सब लोगों के सहयोग से आप सबको मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों की संख्या में आकर अपना विरोध दर्ज कराया तो सरकार निश्चित रूप से संज्ञान लेगी और चीन घुसपैठी को देश से पार करेगी। जम्मू कश्मीर में बसाने की कोशिश की गई तो वहाँ किसी ने कोई विरोध नहीं किया बल्कि वहाँ के अच्छे मुस्लिम एक्शन कमेटी और वहाँ की मुस्लिम संस्थाओं ने उनका समर्थन किया उनके पक्ष में प्रदर्शन किया और वहीं आज तक हमारे कश्मीर से भगाए गए जो पंडित बंधु हैं उनको आज तक नहीं बसाया जा सका। जब जो कश्मीरी पंडितों को बसाने की बात आई तो वहाँ पर जम्मू कश्मीर में उनका भारी विरोध किया गया। तो पूछना चाहते हैं कि सरकार उनको सारी सुविधाएं दे रही है बिजली दे रही है पानी दे रही है और यहाँ तक कि कुछ लगातार नेताओं ने उनके प्रमाण पत्र भी बनवा दिए राशन कार्ड बना दिया गया है उनको आधार कार्ड बनवा दिया गया है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और देश के गद्दार हैं उनके खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जो हमारे कश्मीरी बंधु हैं उनको वहाँ बसाने का जो है व्यवस्था की जाए। इसी के साथ बंदे 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 हम उनके लिए क्या कहते हैं मत समझो हमदर्द है। भारत कोई सराय नहीं जो हर कोई आकर बस जाए रोहिंग्या जहरीले नाग हैं ना जाने कब डर जाओ। और आज कुछ मान्यतावादी ठेक मान्यता के ठेकेदार इन लोगों को यहाँ बसाने की वकालत कर रहे हैं। हमारा कहना है कि लेकर मानवता की आड़ देश की सुरक्षा से मत करो खिलवाड़। तो ये देश की सुरक्षा से खिलवाड़ होगा इसलिए सरकार से हम मांग करते हैं कि इनको अविलंब देश से बाहर किया जाए वरना देश की आंतरिक सुरक्षा को भारी खतरा होगा। यही हमारी जांच एजेंसियां भी कह रही है और यही बात हम भी कह रहे हैं।